हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और शानदार स्टॉक चूँकि हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार का सौदागर स्टॉक है जो कि फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में बैठा है, बट जो फंडामेंटल्स हैं वो इसके बहुत ही शानदार है, अमेजिंग फंडामेंटल थे। केवल प्राइस में अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन एक बार ये चलना शुरू करेगा तो नॉन स्टॉप जर्नी रहेगी इस स्टॉक की, और ये आपको कई गुना पैसा बना के देने की क्षमता रखता है इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्टेबिलिटी के साथ आप बने रहिए इस स्टॉक में, किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है। ग्लोबली इसका बिजनेस है, डिमांड दिन दुनी और राज चौगनी स्टॉक के इस कंपनी के ऑर्डर बुक में है, और ये स्टॉक ऑटो सेक्टर का है और इसका नाम है अशोक लेलैंड। जी हाँ दोस्तों, अशोक लेलैंड एक ऐसा ही मल्टीबैगर स्टॉक है जो कि एक लार्ज कैप का स्टॉक है। लगभग 32,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 24.4 का इसका बुक वैल्यू है। ROCE और ROE की बात करेंगे तो लगभग 28 की ROCE और 23.2 की ROE है। स्टॉक का PE 17.86 है और करंट प्राइस 111 रुपीस का है। आप आज अगर देखेंगे तो 115 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो डेट इक्विटी रेशियो 0.14 है, जबकि EPS 6.22 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.82, शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू 1 है, तो ये हमने बताया। साथ ही साथ कुछ कमेंट्स भी हैं, प्रॉन्स क्या है कंपनी के साथ कि कंपनी ने अपना डेट बहुत ही शार्पली रिड्यूस कर रही है। 2014 में जहां कंपनी को 4000 करोड़ का डेट था, भाई 2018 में कंपनी के ऊपर केवल 550 करोड़ के आसपास का डेट ही रह गया है। वर्चुअली बात माने तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाले वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं, डिमांड्स बढ़ सकती हैं और ग्लोबली ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। प्रोमोटर्स का स्टेक जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हालांकि सितंबर क्वार्टर, जो आप मार्च से लेकर सितंबर के बीच में जो शेयर होल्डिंग देखेंगे, उसमें 0.15% का स्टेक माइनर से रिड्यूस हुआ है, बट मार्च 17 से मार्च 18 के बीच में कंपनी ने अपने स्टेक को लगभग 1% के आसपास इंक्रीज भी किया था प्रोमोटर्स ने। कंपनी की जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, और पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगभग 56.73 की ग्रोथ दी है। साथ ही साथ अगर कंपनी की अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 50.4% का, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 370 करोड़ जो रहा है जून क्वार्टर में। प्रॉफिट वेरिएंस जो है लगभग 220% का प्रॉफिट वेरिएंस रहा है। सेल्स वेरिएंस जो रहा है लगभग 46% का रहा। तो आप जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में अगर बात करें, पिछले 12 महीने में जो ग्रोथ रही है वो पिछले 10 सालों को भी बीट करती है। यानी पिछले 12 महीने में जो ग्रोथ रही है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 40.7% की रही है, जो पिछले 10 सालों में केवल 12.7% की ही थी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 74.55%, जो कि केवल अगर पिछले 3 साल की ग्रोथ बात करें तो वो 82.45 थी, बट उसके अलावा पिछले 12 महीने में शानदार ग्रोथ रही है कंपनी की 74.55% की। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 सालों में इससे शानदार आरओई नहीं रही है कंपनी की, क्योंकि इस बार जो आरओई है पिछले 12 महीने की वो है लगभग 23.22%। सो ओवरऑल अमेजिंग फंडामेंटल है। जून क्वार्टर से नंबर आप देख सकते हैं, जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स जरूर डिक्लाइन हुई थी अगर हम QOQ पे बात करते हैं मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में, बट YOY पे बहुत बढ़िया सेल्स रही थी। 4200 करोड़ से सेल्स बढ़ के 6200 करोड़ की सेल्स पहुंच गई थी भाई। प्रॉफिट भी 160 करोड़ से बढ़ के 521 करोड़ पहुंच गए थे, जबकि मार्च क्वार्टर के मुकाबले सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही डिक्लाइन हुए थे, जिसका प्रेशर हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला। बट ओवरऑल ये एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था, बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की परफॉर्मेंस अमेजिंग और साउंड गुड है, ठीक है। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स ऑलरेडी हम लोग आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं कंपनी के बारे में, और लगभग 3.5% का स्टेक जो है 3.6% जो है वो प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये प्लेजिंग वाले जो शेयर्स हैं वो भी कंपनी जल्दी ही छुड़ा लेगी, और फिर अगले 1 से 1.5 साल में हमें ये कंपनी डेट फ्री जोन में दिखाई देगी, जो कि अभी इसका लगभग 550 करोड़ के आसपास का डेट है, वो भी कंपनी बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देगी, और उसके बाद यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आपको एक बड़ा मेजर रनअप दिखाई देगा। आप सभी को याद होना चाहिए कि आइशर मोटर्स 2008 में लगभग 700-800 रुपये में ट्रेड किया करता था, और 2017 में आइशर मोटर ने लगभग 30-35,000 का लेवल टच किया। तो सच काइंड ऑफ स्टॉक अशोक लेलैंड भी कुछ ऐसा ही स्टॉक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये इसके बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी कुछ इसी तरह का रनअप देने की क्षमता रखता है। फिलहाल 108 रुपये इसका मंथली बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है।
आप 105 रुपए का मेजर सपोर्ट लेवल मान के चलिए, 105 के नीचे की अगर मंथली क्लोजिंग आती है देन आपको 90 रुपीज़ 92 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक मिल सकता है। लेकिन आपको यहाँ से जो टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है वो लगभग 160-165 के आसपास का टारगेट हमें अगले 6 से 8 महीने में अशोक लेलैंड के अंदर मिल सकता है। तो जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो है, क्योंकि यहाँ से जो डाउनसाइड हम मान रहे हैं आपको, अगर आप 10 रुपए का भी डाउनसाइड मानते हैं 115 रुपए से 10 रुपए का यानी 105 रुपए, तो अपसाइड लगभग आपका 45 रुपीज़ का है 160 रुपए का टारगेट रहता है। तो 45 रुपए का 160 से 65 अगर मानिए, अगर 165 तक हमारा टारगेट रहता है तो लगभग 40 रुपीज़ का टारगेट रहेगा 45 से 50 रुपीज़ का। और 50 रुपीज़ के बाद जो आपका रिस्क है वो 10 रुपए का, यानी कि 10 रुपए के रिस्क पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 50 रुपए का मिल रहा है। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। और यहाँ से अपसाइड का गुंजाइश बहुत अच्छा है, पैटर्न बहुत अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 108 रुपए का सपोर्ट बना रहा है। और यहाँ से अगर इतना डब्ल्यू फॉर्मेशन किया सो ये स्टॉक बहुत बढ़िया चलेगा। यहाँ से आप देखेंगे ये डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, और एक बार डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर सेट हो गया और अगर नवंबर मंथ में एक बुलिशनेस आई जो कि एक्सपेक्टेड है कि ऑटोडेक्स काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि नवंबर मंथ से ऑनवर्ड ऑटोडेक्स में एक तेज़ी आएगी, और ये स्टॉक भी अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन सेट करने में लग गया, चला ऊपर की तरफ, तो ये स्टॉक फिर आपको 160-165 के टारगेट डेफिनेटली दिखाएगा। तो ये हमने बात की अशोक लेलैंड के बारे में, जो कि रफ्तार का सौदागर है और आपको आने वाले 2-3 सालों में ये मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक ने इसी तरह से फंडामेंटल शो किए तो अगले 3 से 3.5 साल में ये स्टॉक 500 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है दोस्तों। सो दोस्तों ये अशोक लेलैंड के बारे में हमने आपको बताया, रेस्ट आप लोग अपनी एनालिसिस कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं प्लानर्स हैं उनसे मदद दीजिएगा, फुल्ली एनालाइज करने के बाद ही आप स्टॉक में निवेश कीजिएगा। SIP अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको सबसे अच्छा मुनाफा देगा इस स्टॉक के अंदर दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और शानदार मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ जो कि लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं और आपको निकट भविष्य में अच्छा और बड़ा मुनाफा करा सकते हैं दोस्तों। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।